खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कमलनाथ सरकार द्वारा दिए वादे को पूरा करने अतिथि शिक्षकों ने शाहजहानी पार्क भोपाल में आंदोलन के छठवें दिन किया तांत्रिक यज्ञ। तांत्रिक अघोरी बाबा को बुलाकर किया गया यज्ञ ताकि कमलनाथ सरकार को सद्बुद्धि मिले, जिससे अपने ही द्वारा किए गए वादे अतिथि शिक्षकों को 3 माह के भीतर नियमित करने को पूरा कर सके सरकार। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव पूर्व वचन पत्र बिंदु क्रमांक 16.28 व 47.23 में अतिथि शिक्षकों को 3 माह के भीतर स्थायी करने को कहा था। इसके अलावा 18 नवंबर 2018 को मीडिया के समक्ष कमलनाथ जी अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तरह 3 माह स्थायी करने पक्का करने को कहा था। इस बात की गारंटी दिग्विजय सिंह जी ने ली। पीसी शर्मा जी ने कहा था, कांग्रेस के वचन पत्र में लिखी आपकी मांग पत्थर की लकीर है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था, अतिथि शिक्षकों को पक्का करने, अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। विधानसभा चुनाव पूर्ण एक आम सभा में तत्कालीन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था, मध्य प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था उचित नहीं है, नहीं है। इससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य, अस्थाई कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनने पर हम स्थायी रोजगार देंगे, नियमित करेंगे। अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर शाहजहानी पार्क में आज 9वें दिन बैठे हुए हैं और यहां पर बाबा भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दें, उनके लिए वो हवन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इसी क्रम में। भाई साहब, आज यहां पर यज्ञ किया जा रहा है, किस तरीके का यज्ञ? ये सद्बुद्धि यज्ञ, अघोरी यज्ञ, एक बाबा आए हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हम 8 दिन से भीषण ठंड में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, नियमितीकरण की मांग को लेकर आप हमारी मांग के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि कमलनाथ जी को सद्बुद्धि दे, कि ये भी आपने वचन दिया था, इसलिए हम हमारी उम्मीद जागी है और हम यज्ञ के प्रति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को पूरी करवाओ, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और ये यज्ञ हमेशा चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। तो क्या अभी तक सरकार का या कोई नुमाइंदा आपसे बात करने नहीं आया यहाँ पर? बिल्कुल, कोई भी अभी तक नुमाइंदा यहाँ पर बात करने नहीं आया। कुछ दिन पूर्व हम शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर उनसे बोलने गए थे कि आपका समय पूरा हो चुका है, तो उन्होंने हम पर उल्टे FIR दर्ज करवा दी। इस प्रकार से ये सरकार के द्वारा हमारे ऊपर क्रियाएं की जा रही है, हम बहुत दुखी हैं और हम सरकार से कह रहे हैं या तो नियमितीकरण दो या इच्छा मृत्यु दे दो ताकि हम मुक्त हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ इनका कहना है कि अगर सरकार इनको अगर नियमितीकरण नहीं करती है तो इच्छा मृत्यु दे दे। इसी कारण में हम बात करने जा रहे हैं अघोरी बाबा जी से। बाबा जी, आप यहाँ पर हवन कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा तो इतना ही कहना है कि ऊपर वाला सबको दो, सबको खुश रखे। आज ये सद्बुद्धि यज्ञ माननीय कमलनाथ जी को सद्बुद्धि देने के लिए किया जा रहा है, जिससे जो अतिथि शिक्षक की मांग है नियमितीकरण की, वो पूरी हो। वही बाबा का कहना है कि इनकी नियमितीकरण की मांग को पूरी करेंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।